गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लासिक्स जान पहचान। हमने करा सबक 9 यानी सबक 3 की एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखवाएं और सही हर्फ पर जज़्म का निशान बनवाएं। तो आप एक्सरसाइज नंबर 4 डालेंगे और ये जो ब्लू कलर से हेडिंग दी गई है ये पूरी अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है नंबर 1, दाल प्लस रे प्लस दाल। अब इसको हमें यहाँ इज इक्वल टू मिलाकर लिख देना है। दर्द मिलाकर लिखने के बाद हमें सही हरूफ पर जज़्म भी लगाना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिखकर बता दिया है। अब आइए इसका नंबर 2। नंबर 2 पर लिखा है सख्त, आप इसको यहाँ मिलाकर लिखेंगे और सही हर्फ पर जज़्म लगाएंगे। जश्न, वही आपको मिलाकर लिखना है जश्न, यही फिर जज़्म लगाना है। फिर है सीन रे दाल सर्द, इसको मिलाकर लिख देंगे जज़्म लगाएंगे। सीन रे खे, इसको मिलाकर लिख देंगे और जज़्म लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4। अब आप एक्सरसाइज नंबर 5, मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जज़्म वाले हर्फ तलाश करके सामने लिखिए। नीचे आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनसे आपको जज़्म वाले लफ्ज़ तलाश करके लिखना है। जैसे पे नंबर 1 लिखा है सुस्त, तो यहाँ जज़्म काय पे लगेगी, सीन पर। तो हमने इसमें से कौन सा हर्फ तलाश करके लिखा, सीन। नंबर 2 सब्ज़, तो यहाँ बे पे जज़्म आएगी, तो हमने इसमें से जज़्म वाला हर्फ तलाश करके लिखा, बे। दरख्त, इसमें खे पे जज़्म आएगी, तो हमने जज़्म वाला हरूफ लिखा, खे। उसके बाद है दर्स, यहाँ रे पे जज़्म है, तो जज़्म वाला हरूफ, रे। हश्र, जज़्म वाला हरूफ, शीन। तो ये लफ्ज़ों में से आपको हरूफ निकालना है पूरे पूरे जिसमें जज़्म का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ हमारा सबक 3 कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो कॉपी वर्क है वो आपको आपके क्लास ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।